वेलकम टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल. सो गाइज, आज का जो वीडियो है हाईली रिक्वेस्टेड है. काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी एक अच्छे से एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में बताने के लिए, एंड फाइनली मुझे एक अच्छा सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल गया है. मैं भी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, एंड यस, मैं बोल सकती हूँ कि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, एंड यूज़ करने के बाद मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मेरे पास कल आया और आज ही मैं बता रही हूँ. ऑलमोस्ट मैंने इसको वन मंथ यूज़ किया है. दैट मीन्स कि आई थिंक मैंने इसको 10 से 12 बार मैंने इसको अप्लाई किया है. डेली मैं इसको नहीं लगा रही थी, वीक में सिर्फ इसको मैं 1 से 2 बार ही अपने बालों में अप्लाई करी थी, एज मैं ऑल्टरनेट डे अपना हेयर वॉश करती हूँ. सो वीक में 2 बार मैं इससे हेयर वॉश कर रही थी. सो यस, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड सैटन, एंड दिस इज द एंटी डैंड्रफ शैम्पू. एंड एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका एक्सट्रीम लेवल में हेयर फॉल हो रहा है, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उसके बाद भी अगर आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन होता है डैंड्रफ का. डैंड्रफ बेसिकली आपके फॉलिकल को इतना ज्यादा वीक बना देता है कि आपका एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप वीक में 1 से 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू से जरूर हेयर वॉश करो अगर आपका एक्सट्रीम ही डैंड्रफ है. कई बार ऐसा होता है कि डैंड्रफ आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो आपकी स्कैल्प पे चिपका होता है, और किसी का डैंड्रफ ड्राई होता है तो वो दिख जाता है, बट डैंड्रफ के लिए आपको हमेशा एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज करना पड़ेगा. इसके अलावा डैंड्रफ किसी से भी नहीं जाता. अगर आप ऑयलिंग भी करोगे ना तो उसको वो डैंड्रफ खत्म नहीं करता है. उसके लिए आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज करना पड़ेगा. एंड यस, बात करें इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के गाइस, तो इसके अंदर है टी ट्री एसेंस, जिंजर ऑयल, एलोवेरा, मेंथॉल, सेलेनियम सल्फाइड एंड जेप्टो. सो बेसिकली जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके स्कैल्प की इचीनेस को, डैंड्रफ को, डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, ये आपकी स्कैल्प को इरिटेट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो भी आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है उस पर भी ये वर्क करता है. सो यस, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो. इसमें किसी भी तरह के ऐसे हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी स्कैल्प के या आपके बालों के लिए हानिकारक होंगे या वो उसको डैमेज करेंगे. प्राइस की अगर बात करें तो 479 इसकी एमआरपी है, एंड क्वांटिटी आपको मिलती है ऑलमोस्ट 200 ml. प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा जस्टिफाई है. अगर आप दूसरे ब्रांड के एंटी डैंड्रफ शैम्पू देखोगे ना, तो लिटरली मतलब लूटते हैं वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के नाम पे, बट दिस इज लिटरली अमेजिंग. अगर आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली बाय करते हो और मेरा कोड यूज करते हो Neelam20, तो आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा. दैट मीन्स कि ये शैम्पू आपको 380 या 400 रुपए तक मिलेगा. सो यस, बात करें इसके इनर बॉटल की, तो ये मिलती है आपको कुछ इस तरह की बॉटल, 200 ml की ये बॉटल है. यहाँ से आपका प्रोडक्ट निकलेगा, एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम नॉर्मल जैसे शैम्पू होती है वैसी है, और थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, मतलब ब्राउनिश कलर है जो कि बॉदर नहीं करता है, मतलब कलर में क्या रखा है. प्रेगनेंस काफी ज्यादा माइल्ड है, मतलब टॉलरेट कर सकते हो आप. सो यस, इसको यूज करते करते ऑलमोस्ट मुझे 20 से 25 दिन हो गए हैं, एंड लिटरली मैं अगर आपको बिफोर की क्लिप दिखाऊं मेरा कितना हेयरफॉल हो रहा था और अभी मेरा कितना हेयरफॉल हो रहा है, तो आप खुद शॉक हो जाओगे. लुक एट दिस, दिस इज द बिफोर क्लिप. यू कैन सी इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में मेरा हेयरफॉल था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूं. एंड जब भी आपको समझ में नहीं आया कि आपका हेयरफॉल क्यों नहीं रुक रहा है, तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना स्टार्ट करो. लिटरली आप 15 डेज में आपको खुद को फील होगा कि आपका हेयरफॉल कम हो गया है. सो यस, दिस इज द आफ्टर क्लिप. आप देख सकते हो अभी, मतलब लिटरली मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की है, एज इट इज मेरे फ्लोर पे जितने बाल गिरे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ. यू कैन सी मतलब मुश्किल से 10 से 15 हेयरफॉल है, जो कि नॉर्मल होता है, मतलब इतना हेयरफॉल होता ही है. 15 से 20 अगर आपका एक बार में कॉम करने पे हेयरफॉल हो रहा है, दैट इज वेरी नॉर्मल. इसमें टेंशन की कोई भी बात नहीं है. सो यस, यू कैन सी द रिजल्ट. मतलब 1 महीने पहले की ये हालत थी और 1 महीने बाद में ये हालत है. एंड लिटरली मतलब इतना हेयरफॉल था ना मुझे कि मुझे अपना हेयर कट करवाना पड़ा. बट जब से मैं ये शैम्पू यूज कर रही हूँ ना, तब से मुझे काफी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है. यस गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग, इंग्रेडिएंट लिस्ट के अकॉर्डिंग, एंड आई मस्ट से कि इसका जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द वर्थ बाइंग प्रोडक्ट. एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको दे दिया है. प्राइस भी बिल्कुल ज्यादा नहीं है. अगर आप 350-400 रुपए इस पे स्पेंड करोगे ना, तो आपको रिजल्ट आई एम डैम श्योर मिलेगा. सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो और आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने आज फुलफिल की है. आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है. फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा. फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी. या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.